limits and derivatives. लिमिट्स और डेरिवेटिव, सीमाएं और अवकलज, ये मुख्यतः कलन कैलकुलस के एक भाग हैं। कैलकुलस के अंदर लिमिट्स आती हैं, डेरिवेटिव्स आते हैं, कंटिन्यूटी आती है और इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेटर। तो सीमाएं, अवकलज, सांतत्य और समाकलन, ये मिलके एक अवकलन होते हैं। तो ये कैलकुलस के एक भाग है। लिमिट्स, सीमाएं और डेरिवेटिव, अवकलज। विद्यार्थियों, सीमाएं, अवकलज और पूरी ये कैलकुलस, ये गणित के अंदर, गणित की एक काफी कठिन से विधा है जिसको समझने में अच्छे अच्छों को बड़ी परेशानी होती। आज मैं कुछ इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा कि अवकलज और सीमाएं आप अच्छे से समझ जाएं और ये आपको कठिन नहीं लगेंगी आज के बाद। ये इतनी कठिन होती भी नहीं, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट है, थोड़ी सी सीधी सीधी मैथ से हटके है, पर्टिकुलर नहीं है, थोड़ा सा एजम्पशन है, इसलिए थोड़ी सी कठिनाई होती है समझने में। लेकिन हम उन एजम्पशंस के साथ में और उन छोटे छोटे जो इसकी समस्याएं हैं उनके साथ में इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो मैथ्स में हम जानते हैं जैसा कि एलजेब्रा, मेंसुरेशन, अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये है। उन्हीं के साथ में ये कैलकुलस भी एक मैथ है, मैथ का पार्ट है, उसमें है सीमाएं और अवकलज। हम लिमिट्स को समझने का प्रयास करते हैं। लिमिट्स, सीमाएं, सीमा शब्द से पता लगता है सीमा, लिमिट, कि आपके इतने लिमिट है, आप यहां तक जा सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं। किसी को कहा जाए कि आप कुछ गेम खेलते हैं तो फुटबॉल के प्लेयर्स की एक लिमिट होती है, एक बाउंड्री होती है, उसके बाहर वो नहीं जा सकते, उसके बाहर बॉल भी चली जा सकती है, बॉल भी चली जाती है तो फाउल होता है। तो सबकी अपनी एक लिमिट होती है और लिमिट के बारे में आप इस प्रकार समझ सकते हैं, सीमा, सीमा में बांध दिया जाए किसी को, उसके आगे नहीं जाना, वहां तक जाना। इसको समझने के लिए हम एक सर्किल से प्रारंभ करते हैं। एक सर्किल है, इस सर्किल के अंदर एक बहुभुज ले लिया हमने, त्रिभुज, कहीं भी कैसा भी त्रिभुज बना ले आप सर्किल के अंदर, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके वृत्त के क्षेत्रफल से कम ही होगा हमेशा, हमेशा कहीं भी बना, वृत्त के अंदर बनाना है त्रिभुज को। आपने ऐसे बनाएंगे तो भी इसका क्षेत्रफल कम ही होना है, ठीक है। त्रिभुज नहीं बनाते हम, तो दूसरा बहुभुज ले लेते हैं, कोई भी दूसरा, मान लीजिए हमने ले लिया सचभुज ले लिया हमने, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, छह भुजा। इस सचभुज का भी क्षेत्रफल इस वृत्त के क्षेत्रफल से कम ही होगा। आप और भी बहुभुज ले लें, बहुत सारे भुजाओं वाला, ठीक है, उसका क्षेत्रफल भी हमेशा वृत्त के क्षेत्रफल से कम ही होगा। तो कैसा ही बहुभुज ले लें, उसका क्षेत्रफल हमेशा वृत्त के क्षेत्रफल से कम ही होगा। मैं यूं कह सकता हूं कि वृत्त है जो, इसके अंदर बनने वाले इतने बहुभुज है, उसकी एक लिमिट है, एक सीमा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? सीमा है, वृत्त सीमा है उसकी। इससे ज्यादा, वृत्त के क्षेत्रफल से ज्यादा
इस वृत्त के अंदर बने हुए किसी भी बहुभुज का क्षेत्रफल नहीं हो सकता। तो ये एक लिमिट में बांध दिया, एक सीमा में बांध दिया। जैसे फुटबॉल का मैदान है, फुटबॉल के मैदान की ये एक लिमिट है, आपको फुटबॉल खेलनी है तो इसके अंदर ही खेलनी है, इसके बाहर नहीं जा सकते, लिमिट बांध दी है। कितना अधिक हो सकता बहुभुज का क्षेत्रफल? बहुभुज का क्षेत्रफल लगभग बराबर हो सकता है वृत्त के क्षेत्रफल से, लेकिन बराबर नहीं हो सकता। इट टेंड्स टू वृत्त का क्षेत्रफल हो सकता है, इसको हम आगे समझने वाले हैं अभी। तो एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर वृत्त का बहुत क्षेत्रफल हो सकता है, उससे बाहर है तो उससे अधिक नहीं हो सकता। चलिए आगे और समझने का प्रयास करते हैं। टेंड्स टू को समझते हैं, एक्स टेंड्स टू ए, हमने एक नंबर लाइन ली, संख्या रेखा, नंबर लाइन। इस नंबर लाइन के ऊपर हमने माना यहां ए है, ठीक है, इधर ए से ज्यादा ही होगा, ए प्लस वन, ए प्लस टू, ए प्लस थ्री, ए प्लस फोर इस तरफ, ठीक है। और मान लीजिए एक्स बहुत दूर है कहीं, आगे जाके कहीं है एक्स, इधर भी मान लिया, इधर भी एक्स बहुत दूर है, एक्स से चल के ए की तरफ आ रहा, एक्स चल के ए की तरफ आ, ए से छोटा है, यहां यदि एक्स ए से छोटा हो तो इधर है, और एक्स ए से बड़ा हो तो उधर है, ठीक है। एक्स चल के ए की हो रहा है, ये वाला एक्स इधर से भी आ सकता है, इधर से जा सकता, एक्स हम पहले इधर की बात करते हैं, एक्स चल के ए की तरफ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ए से उधर नहीं जाना, ए उसकी लिमिट है, ए उसकी लिमिट है, लिमिट से ऊपर नहीं जाना। तो कहां तक आ सकता है? एक्स आ सकता है एक्स माइनस वन, ए माइनस वन तक, ए माइनस वन है ना, ये ए माइनस वन है, ए माइनस वन तक आ सकता है, उससे भी आगे आ सकता है, ए माइनस जीरो पॉइंट फाइव तक आ सकता है, उससे भी कम, यहां तक आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, ए 0.1 तक आ सकता है, ए का मान, ए माइनस एक्स का मान एक्स कहां तक आ सकता है, ए माइनस 0.001 तक आ सकता है, एक्स ए माइनस 0.0000001 तक आ सकता है, एक्स यहां तक आ सकता है। हम कह सकते हैं ये लगभग किसके बराबर है? लगभग शून्य के बराबर, शून्य तक, लेकिन बस शून्य से थोड़ा सा कम, शून्य से थोड़ा सा कम तक आ सकता है। तो एक्स जस्ट यहां तक आ सकता है, तो एक्स कहां तक आ सकता है? एक्स आ सकता है ए माइनस जीरो तक, जीरो नहीं है ये, जीरो से थोड़ा ज्यादा है, टेंड्स टू जीरो, जीरो तक आ सकता है। तो हम इसको ये कहलाते हैं एक्चुअली एक्स टेंड्स टू ए माइनस जीरो, जीरो से थोड़ा सा कम, और ये कहलाती है बाई सीमा, बाई सीमा, लेफ्ट लिमिट। बात समझ में आई? आई के नहीं आई? चलो अब उधर देखते हैं, समझ में ज्यादा अच्छी तरह से आएगी। एक्स मान लीजिए, अब यहां ए है, नंबर लाइन है, ये ए पांच हो सकता है, पांच के आगे ये छह होगा, ये सात होगा, ये आठ होगा, तो ये ए है, तो ये क्या हो गया, ए प्लस वन, ये ए प्लस टू, ऐसे से होगा ना। एक्स चल के ए की तरफ आ रहा है, लेकिन ए तक नहीं पहुंचना, तो एक्स कहां तक आ सकता है? एक्स आ सकता है मान लीजिए ए प्लस वन तक आ सकता है, यहां तक आ सकता है। हम चाहते हैं और इधर आए, और इधर आएगा तो ए प्लस जीरो पॉइंट पांच तक आ सकता है, यहां तक चाहते हैं और इधर आए तो ये आ सकता है ए प्लस जीरो पॉइंट वन तक आ सकता है, हम चाहते हैं और इधर आए तो आ सकता है वो ए प्लस 0.001 तक, और इधर लाने के लिए ए प्लस 0.00000 कितने भी लगा, और इधर जस्ट जीरो के नजदीक। तो हम यही कह सकते हैं कि ए प्लस प्लस जीरो ही ला जाना, जीरो पे जीरो के नजदीक आना चाहना, जीरो पे आ जाए, लेकिन जीरो पे नहीं आने देना, पर जीरो के जस्ट पहले। तो हम कह सकते हैं कि एक्स जो है वो जीरो से जस्ट पहले गया है,
एक ए प्लस आएगा और जीरो के जस्ट पहले गया। एक्स क्या था, ए प्लस जीरो तक गया और जीरो से जस्ट पहले गया। यहां क्या था, ए जीरो के माइनस तक गया और ए जीरो के माइनस, ए के ऊपर माइनस लगा दिया मैंने, ये देखें। तो ये कहलाएगी बाई सीमा और ये कहलाएगी आपकी, ए पे प्लस है तो ये कहलाएगी आपकी दाई सीमा, राइट लिमिट, राइट। बात समझ में आई कि नहीं आई, कि टेंस टू का मतलब क्या, एक्स टेंस टू ए, एक्स ए तक पहुंचे लेकिन एक पे ना पहुंचे, ए तक पहुंचे लेकिन ए पर ना पहुंचे, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट का कुछ अस्तित्व भी है क्या, होता है क्या। चलिए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट देखने के लिए हम उदाहरण लेते हैं, हम दो उदाहरण लेते हैं और फिर इसको हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट होता है क्या वास्तव में, यदि किसी फंक्शन की, फलन की, किसी फलन की लिमिट कि यदि बाई व दाई दोनों सीमाएं एक हो जाए समान हो जाए तो क्या कहेंगे, भाई नंबर लाइन है ये ए है, ये ए है, ये जस्ट यहां ए माइनस जीरो है और जस्ट यहां बिल्कुल यहां ए प्लस जीरो है। और जब ए माइनस जीरो और ए प्लस जीरो दोनों एक हो जाए, बराबर हो जाए, तो क्या क्या होगा इसे, मतलब ए माइनस बराबर हो जाए ए प्लस के, तो क्या कहोगे इसे, ए पे आ गए तो सीमा का अस्तित्व होता है, सीमा का अस्तित्व होता है, एग्जिस्टेंस होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, वहां लिमिट का एग्जिस्टेंस है यदि बाई और दाई दोनों सीमाएं एक हो जाए। एक एग्जाम्पल लेके हम इसको करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स टू प्लस एक्स और इसको एक्स इक्वल टू टू पर इसके लिमिट का अस्तित्व देखना है। एक्स इक्वल टू टू पर अस्तित्व है क्या, तो लिमिट क्या है एक्स टेंस टू टू हमको देखना है। पहले हम इसकी निकालते हैं बाई सीमा, लेफ्ट लिमिट। लेफ्ट लिमिट निकालने के लिए हमें एक्स टेंस टू टू माइनस एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू प्लस एक्स करना है। बाई और दाई सीमाएं निकालने के लिए एक हम एक टेक्निक का थोड़ा सा सहारा लेते हैं। हम करते क्या है, एक्स के स्थान दो के स्थान पर दो प्लस एच और माइनस एच कर देते हैं। यदि हमें बाई तरफ निकालनी है तो एक्स इक्वल टू टू माइनस एच कर देंगे और दाहिनी सीमा निकालनी है तो हम कर देंगे एक्स इक्वल टू टू प्लस एच। अब ध्यान दो, एक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस दो बराबर माइनस एच, और एक्स क्या था दो, एक्स दो था, दो माइनस दो बराबर माइनस एच, एक्स की वैल्यू क्या हो गई माइनस एच की वैल्यू जीरो। उसी प्रकार से उधर भी, यहां एक्स को दो लेना था ना, इसलिए एक्स बराबर दो प्लस एच, तो प्लस एच की वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस दो, एक्स को दो लेना है तो हो जाएगी दो माइनस दो, प्लस एच की वैल्यू हो जाएगी आपकी जीरो। ये रिप्लेसमेंट करेंगे, तो इस प्रश्न में तो उतना आवश्यक था नहीं, लेकिन अन्य प्रश्न में देखेंगे हम इस रिप्लेसमेंट को किए बिना वो हल होगा नहीं। चलिए बाई सीमा लेते हैं, तो बाई सीमा लेने के लिए हमें, और लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट बन जाएगी ये जीरो, लिमिट हो जाएगी एक्स टेंस टू जीरो। तो रिप्लेस करते हैं एक्स टेंस टू जीरो, एक्स एक्स की जगह पर
माइनस में बाई सीमा दो माइनस एच बराबर वन अपॉन दो प्लस दो माइनस एच, तो लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगाई आपने तो लिमिट x टेंस टू जीरो दो बराबर हो गया वन अपॉन दो दो चार हो गए, रेस्ट तो जीरो हो गया शून्य जीरो। तो ये आ गया आपकी बाई सीमा। अब दाहिनी सीमा निकालते हैं, दाई सीमा क्वेश्चन था आपका लिमिट x टेंस टू टू प्लस एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू प्लस एक्स, ठीक है। हमें क्या करना है, लिमिट तो बदल देनी है x टेंस टू जीरो, x की जगह रखना है a प्लस एच, ये दो है दो प्लस एच, यहां दो प्लस एच, ठीक है। लिमिट लगा दीजिए जीरो, एस एस तो जाएगा जीरो वन अपॉन दो दो चार और एच भी जीरो। तो ये आ गई आपकी दाहिनी सीमा और ये आ गई आपकी बाईं सीमा। यदि बाईं सीमा और दाहिनी सीमा दोनों बराबर है, ये लगा चुके हैं दाहिनी सीमा और बाईं सीमा बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये इस फलन का इसका अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, ठीक है। चलिए आगे एक नया एग्जांपल लेके और करते हैं हम। मान लीजिए कोई फंक्शन है x माइनस x बार अपॉन x, इसको x को तो जीरो पर देखना है पर अस्तित्व है या नहीं है, चेक करते हैं। पहले तो देखनी है मैं बाई सीमा, बाई सीमा ए की जगह क्या है जीरो, तो हमें क्या करना है एक्स को चेंज करना है किसमें, जीरो माइनस एच में, और लिमिट एक्स जीरो हो जाएगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स की जगह जीरो माइनस एच बराबर जीरो माइनस एच माइनस इसके अंदर भी जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच, राइट। देखते हैं और आगे हल करते हैं, x माइनस एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच इक्वल टू यहाँ माइनस एच आया ऊपर और ये अंदर प्लस हो जाता है बार के बीच होता है तो प्लस और फिर माइनस है तो माइनस ही रहेगा अपॉन नीचे माइनस ऊपर जीरो अपॉन माइनस एच ऊपर माइनस दो एच अपॉन एच माइनस एच। लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगाएंगे एफ जीरो इक्वल टू आएगा ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो माइनस में और आएगा माइनस जीरो अपॉन जीरो, डिफाइन नहीं कर सकते इसे, है ना, नॉट डिफाइंड आ गया, नेगेटिव में आया या पॉजिटिव में आया कुछ फर्क नहीं पड़ता। दाई सीमा निकालते हैं, दाई सीमा, दाई सीमा के लिए क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू जीरो प्लस एच रख दीजिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच x की जगह जीरो प्लस एच बराबर ऊपर x की जगह जीरो प्लस एच माइनस अंदर जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच, क्या हो जाएगा, बोलते हैं ऊपर h ऊपर माइनस h अपॉन नीचे h, क्या हो गया जीरो अपॉन h। लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगा देंगे तो हो जाएगा एच जीरो इक्वल टू जीरो अपॉन h प्लस जीरो अपॉन जीरो प्लस इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड। कुल मिला के कहा जाए तो बाईं सीमा और दाहिनी सीमा बराबर नहीं है, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी है या नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है तो भी इक्वल नहीं है क्योंकि माइनस में है वो प्लस में है तो कुछ और ही आना वाला था, तो कह सकते हैं कि इसका अस्तित्व नहीं है, नॉट एग्जिस्टिंग,
नॉट एग्जिस्टेंस इसका आंसर आएगा. राइट, बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? गुड, ग्रेट.